नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर जो आज की बड़ी अपडेट है वो अपडेट आप तक मैं शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हम राजस्थान की प्रत्येक यूनिवर्सिटी की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर रख दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में आपकी यूनिवर्सिटी को भी ऐड कर लिया जाए और जब भी आपकी यूनिवर्सिटी से संबंध में कोई भी बड़ी अपडेट आए तो आप तक शेयर कर दी जाए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी आपको दिखा देता हूँ। भरतपुर भास्कर की ये बड़ी अपडेट है, आप डेट देख सकते हैं मंगलवार 27 जुलाई 2021 आज का ये न्यूज़पेपर है और यहाँ पर पूरी अपडेट आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्रिज विश्वविद्यालय से ये बड़ी अपडेट आ रही है कि विशेष परीक्षा के पास आउट स्टूडेंट्स भरेंगे परीक्षा फॉर्म। जो विशेष परीक्षाएं चल रही हैं और आपकी जो मेन परीक्षाएं हैं वो कब तक होंगी, इसमें पूरी अपडेट दी गई है, तो पूरी अपडेट आप तक शेयर करने वाला हूं। थोड़ी सी क्लियरिटी कम होगी दोस्तों। देखिए, विशेष परीक्षा के पास आउट स्टूडेंट्स भरेंगे परीक्षा फॉर्म। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अभी और लेट हो सकती हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री और जो विशेष परीक्षाएं 2 अगस्त तक चलेंगी, फिर इनका रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद पास आउट स्टूडेंट से परीक्षा फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसमें दोस्तों अगस्त का दूसरा सप्ताह आ जाएगा, इसके बाद ही परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे में स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लेट होने की पूरी संभावना है। ज्ञात है कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों को जुलाई के आखिरी में परीक्षाएं कराने के आदेश जारी किए थे, किंतु ब्रिज विश्वविद्यालय का परीक्षा फॉर्म भरने का कार्यक्रम जुलाई के मध्य तक चला। फिलहाल यूनिवर्सिटी की एग्जाम जो आपके कमेटी की मीटिंग ले चुकी है, जिसमें परीक्षा कराने के तरीके यानी 3 घंटे में से एक स्टूडेंट को परीक्षा, 3 घंटे में 2 परीक्षाएं आपको देनी है और ये परीक्षाएं पैटर्न तय हो चुका है, 1.5 घंटे का परीक्षा पैटर्न होगा। तो इस हिसाब से आपका लगभग अगस्त का दूसरा वीक परीक्षाओं को लेकर आ सकता है। और जैसा कि मैंने जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे आप कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें, MGSU की बात करें, तो लगभग उनमें जो अगस्त का सेकेंड वीक आराम से आ जाएगा, उससे पहले परीक्षाएं नहीं हो सकती। फिर भी आपके पास 15 से 20 दिन का समय है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, अपडेट को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।